तो आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी का भी पार्सल अपने फ़ोन में ओपन करना चाहते हो वो किस तरीके से किया जाता है। गैर ओटीपी के ओनली ओनली वो यूआर कोड स्कैनिंग करना होगा। यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली वो आपका फ़ोन में जो वो व्हाट्सएप चलाता है वो अपने के फ़ोन में क्रिएट हो जाएगा। इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गैर ओटीपी की। गैर कोई भी खाली एक नंबर डालना होगा, जो भी आप नंबर डालोगे जिस नंबर से आप व्हाट्सएप किसी का भी चलाना चाहते हो सो खाली एक नंबर डालना होगा। वो नंबर डाल के खाली आप व्हाट्सएप को ही ओपन कर लेना और वो उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, प्रोफाइल भी आ जाएगी उनकी। बट आपकी जो वो डिटेल होती है वो आपको सारी की सारी सेटिंग्स शो कर देनी चाहिए। वो सारी की सारी सेटिंग्स शो कर दोगे तो आप आसानी से दूसरे की फ़ोन का व्हाट्सएप अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो। किसी का भी फ़ोन नंबर डालो और आसानी से व्हाट्सएप पे क्रिएट करो। इस तरीके से वीडियो पे शुरू से लेके एंड तक बन रही। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम आदित्य कुशवा और आपका फिर से मेरे टेक टेक्निकल लेके चैनल में स्वागत करता हूँ। चलो गाइस, गैर टाइम कब आए गैर वीडियो लंबी की वीडियो करने से स्टार्ट। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर का एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने देख सकते हो सर्च बार पे सर्च किया मैंने, यही सर्च बार पे सर्च किया यूआर स्कैनर सुपर यूआर सुपर कोड टोल। इस सर्च बार पे सर्च करने के बाद ये इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। ये 99 MB का साइज है, आप भी यूज करो और काफ़ी लोग यूज करते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव यही एप्लीकेशन है और इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आसानी से दूसरे के फ़ोन का जो व्हाट्सअप होता है वो अपने फ़ोन में आसानी से चला सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो ये वाला एप्लीकेशन था इसको हम पहले से इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने वाले मैंने से इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, देख सकते हो अनइंस्टॉल हो गया ये एप्लीकेशन मेरा। डायरेक्टली में ओपन करेंगे प्ले स्टोर को, प्ले स्टोर को ओपन करने वाले देख सकते आप बताओ कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको सिंपली इस पर इंस्टॉल कर लेना। जैसे आपने इंस्टॉल करने के लिए क्लिक किया आपके सामने कुछ इस तरीके का इंस्टॉल होने लगेगा। सिंपली इस डिस्क्रिप्शन में इसके एप्लीकेशन की लिंक डाल दूँगा, आप डायरेक्टली इसे ओपन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसकी डायरेक्टली में भी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, आप आसानी से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो तो जैसा ये लोडिंग हो रहा है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन करोगे एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। ये इस तरीके का इंटरफेस होने के बाद देख सकते यही एप्लीकेशन 9 MB की साइज है, आप आसानी से यूज करो और दूसरे फोन की जो व्हाट्सअप होता है अपने फ़ोन में कैसे क्रिएट करो और आप फुल एंजॉय लो उसे भी पता भी नहीं चलेगा। और गैर ओटीपी की जो व्हाट्सअप एप्लीकेशन होता है वो आप यूज कर सकते हो, बट आप पहले से वो व्हाट्सएप यूज करते हो वो यूज करते रहोगे, बट ये नया एप्लीकेशन ये नया फीचर आया है और आसानी से दूसरे फ़ोन का जो नंबर ओनली आप नंबर डालो उसका फ़ोन का जो जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हो जिस नंबर पे कौन सा भी व्हाट्सएप चलाना चाहते हो वो आपको नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आपने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद जैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद देखो तो ये परमिशन मांगे, जैसे मैंने ओपन किया देखो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। इंटरफेस होने के बाद आपको सिंपली गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको पहले बहुत सारे स्कैनर मिलेगा, देख सकते हो ये वाला स्कैनर मिलेगा, ये वाला मिलेगा, बहुत सारे सेटअप मिल जाएगा। आप सिंपली थोड़ा सा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप आसानी से दूसरे का व्हाट्सएप यूज करके अपने फ़ोन में शो कर सकते हो। ओनली आपको यूआर कोड स्कैनिंग करना होगा, यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। अगर गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिए, मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक करने का देखो तो यहाँ पे ऐड आ रहा है, ऐड को भी कट कर देना, क्योंकि ऐड का क्यों आ रहा है, ऐड को ज़्यादा जैसे एप्लीकेशन ज़्यादातर पॉपुलर एप्लीकेशन है, बहुत कमाल की एप्लीकेशन, इसलिए ऐड इस पर आते जाते रहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना है, बैक आने का देखो तो आप बैक में आ गए। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे क्लिक किया जैसे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे सिंपली मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल पे क्लिक करने आ देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है, अनेबल करने आज यहाँ पे अनेबल के लिए मांगना, आपको जो प्रोफाइल लगानी है आपको प्रोफाइल भी आप आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी ओपन करूँगा रिसेंटली पे, आप आसानी से जो आप
किस नंबर पे व्हाट्सअप चलाना चाहते हो, किस नंबर पे कोई भी ए टू जेड किसी का भी व्हाट्सअप अपने फोन में शो करना चाहते हो, आपको सिंपली उसकी प्रोफाइल ऐड करनी हो तो आपको एक प्रोफाइल अपनी ऐड कर देनी होगी। मैं अपनी एक प्रोफाइल ऐड कर देता हूँ, ये कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने वाले तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, दिक्कत आने का ऐड आ रहा है, ऐड को भी यहाँ पे कट कर देंगे। इस तरीके से अपने फ़ोन का जो दूसरे फ़ोन होता है, दूसरे फ़ोन का व्हाट्सअप अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो। आई होप यू इस दूसरे भाग में बताएंगे किस तरीके से किया जाता है पूरा का पूरा सेटअप। बड़ी लंबी वीडियो हो रही है, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करते हैं, कुछ ना बात भूलिए। चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर।